अभी यहाँ भक्तिपुर में जनसुराज के द्वारा मैच का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि एक्स आईपीएस ऑफिसर विजय चौबे जी और पंतैल पंचायत बघौच के डॉक्टर राजा हुसैन जी का, जो कि हमारे चीफ गेस्ट के रूप में है, और हमारे मीडिया प्रभारी आदित्य चौबे जी हैं, जिनके माध्यम से और लाइव टेलीकास्ट चलेगा। तो आप लोग चैनल से उनके जुड़ जाइए। आदित्य चौबे जी का पूरा आपको और स्टार्ट टू लास्ट तक ले देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा भाई जी, अब चली हेवी वर्क ले लिया जाओ। मैं महाराज रो वाले चली चली चौबे जी। हेलो हेलो, दोनों टीम आग्रह है कि आप जल्द से जल्द फील्ड में कष्ट करें, मैच किया जाए, दोनों टीम लाइन अप हो जाए। पीछे कौन है पचास रुपए जो तू राजा विकेट खेलिए, आप लोग जमकर खेलिए और लोगों का दिल जीती भैया।
चौबे जी माइको में बोलवाई कौन टीम टॉस जीतल माइको ये कहाँ भाई काजी बोले सब जीरो वार्ड हो गया जीरो वार्ड आपको ये सब हो रहा है माइको में बोलवाई आप गड़बड़ कराइएगा जय बिहार जय जय बिहार जय जय बिहार जनता के सुंदर राज जन सुराज जन सुराज के सुंदर राज जन सुराज जनता के सुंदर राज जन सुराज जनता के सुंदर राज जन सुराज राष्ट्रगान होगा ना 6 तो दिन होगा ना अभी हम तो हमने क्या हाल है भारत के अय्यापुर ने आज टॉस जीता है और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। क्या उनका फैसला सही साबित होता है ये समय ही बताएगा। क्रिकेट रिश्तेदारों का खेल है, देखते हैं। दोनों टीम काफी मजबूत है और शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा यहाँ पे। मगर भोपतीपुर का ज्यादा पॉसिबिलिटी है जीतने का, लोकल टीम है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा उनका परचेस रहेगा। मगर साथ साथ अय्यापुर भी बहुत परफेंस में ज्यादा है और बढ़िया बढ़िया प्लेयर उतर रहे हैं और अच्छा खेलेंगे। जो जीतेगा कोई सिकंदर होगा। और इनाम कितना रुपया रखा हुआ है यहाँ पे? इनाम की राशि हमको नहीं पता है सर। इनाम हमको जहाँ तक पता है 5,000 रुपये तक है विनर टीम को, आपको लास्ट में प्राइज देने को नहीं पता। हम अगर इसके बारे में नहीं बोलेंगे विशेष, हम बोलेंगे जो जीत जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। क्रिकेट तो निश्चिता हुआ खेल है और कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। तो जनसुराज के बारे में कुछ बता दीजिए। जनसुराज के बारे में यही है, जनसुराज हम प्रसाद किशोर के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जनसुराज एक ऐसी संस्था है जिसमें ऊंच विचार भेदभाव किसी ऊंच नीच जाति भाव का नहीं है। ये कुछ विचारधारा है जिसमें हम एक दूसरे को जोड़ रहे हैं और हम प्रशांत किशोर जी के कंधों में कंधों मिला के साथ चलना चाहते हैं, इसलिए हम लोग जनसुराज में हैं। जनसुराज इज बेस्ट। थैंक यू। चालू हो जाए मोदी और बढ़िया के तुम्हारी बाबू महाराज रोवाले चली
आउट 2 विकेट। भोपतीपुर का टीम बहुत ही अच्छा स्कोर करते हुए भाई। देख रहे हैं इनका बॉलिंग सबसे बेस्ट रहा लग रहा है कि, और ये सब व्यूअर हैं। जूम कर देते हैं भाई, लो भाई हम रुक जाए। अभियान जिसके प्रणेता प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है, उसी अभियान के अंतर्गत आज का टूर्नामेंट हुआ, जिसको बड़ी ही मुस्तैदी से हमारे कुचाई कोट ब्लॉक के 2 पंचायतों बल्कि 2 टीमों ने खेला, जिसमें से अय्यापुर टीम और भोपतीपुर टीम फाइनल मैच में पहुंची थी, और इन्होंने बहुत जोर शोर से मैच खेला, जिसमें कि अय्यापुर टीम विजेता रही, उसके लिए जोरदार तालियां हों। भोपतीपुर की टीम उप विजेता के तौर पर अच्छा चेस किया इन्होंने, मैच है और ये खेल है, इसमें जीत और हार होती ही रहती है। साथियों, हमें हर एक हार से सबक लेना है कि हमें आगे बढ़ना है, और हर एक जीत से ये भी देखना है कि अपने जोश को संभाल कर रखना है।
मीडिया साहिल तिवारी जी अब बोला नंबर बोल अब हम चाहेंगे कि अन्य साथियों को सर्टिफिकेट हमारे अगले मुख्य अतिथि आए हुए हैं श्री योगेंद्र शर्मा जी कप्तान यार है उसी का नाम है रंजन यार इसको दे दो वहाँ पे नमक कटवा के नवीन लिखवा दो दिखाइए डॉक्टर साहब दें डॉक्टर साहब थोड़ा देख लीजिएगा जा जल्दी जा तो ये टीम रहा विजेता कौन सा टीम है जी आपका कहाँ से आप लोग कौन सा टीम अहियापुर का टीम विजेता रहा और भोपती टीम यहाँ पे हारी हुई थी देख सकते हैं आप लोग ठीक है थैंक यू सचिन कुमार जी भाई जो कि हमारे कैंप के एक्सटेंशन इंचार्ज है आइए और खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कैंप नंबर आइए रवि रूपेश जी आएंगे
ताली बजते रहे, ताली बजते रहे। और आज के इस पूरे मैच में जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है उनका नाम साहिल तिवारी जी, जो कि मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज है। साहिल तिवारी आइए। और इसके बाद जो हमारे अगले साथी हैं सैफ, जिन्होंने पूरे मैच में 5 कैच लिया है, उनको इस सम्मान के तौर पर मेडल से सम्मानित किया जाएगा। और सैफ का चाहिए प्लान बका हो, आ जाइए आप ले लीजिए। और इसी के साथ जो इस पूरे टूर्नामेंट जो किचन स्वराज अभियान के तहत कराया जा रहा है और उसमें हुए टूर्नामेंट में जो विजेता टीम रही है हमारी अहियापुर टीम रही है, जोरदार तालियां और प्रतिभावान लोगों की खोज में है जो आगे बढ़कर हमारे बिहार का नाम रोशन करे, हमारे देश का नाम रोशन करे और बिहार को बुलंदियों तक पहुँचाए। आप सभी को इस पूरे जन स्वराज अभियान की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। जय बिहार, जय जय बिहार बोलिए। जय बिहार, जय बिहार। एक बात और, सुंदर कैप्टन जनसुराज के माध्यम से टूर्नामेंट कराया गया भूपतपुर में, अभी संपन्न हुआ जंगल भूपतपुर का राज्य टीम की जता बन जनसुराज के माध्यम से कराया गया टूर्नामेंट अच्छा था। और अभी अब नेक्स्ट आप लोग किसे खेलना चाहिएगा मैच, कौन से आप टीम से जिला स्तर पर खिलाया जाए तो खेलेंगे? हाँ, जिला स्तर पर स्टेट जनसुराज के माध्यम से स्टेट लेवल पर भी खिलाया जाए, जनसुराज के माध्यम से खेलेंगे हम लोग। आपको निमंत्रण दिया जाएगा तो आएंगे? एकदम आएंगे।